हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्यूटी केयर एंड कोर्स में। आज मैं आप लोगों को इजी तरीके से मेकअप करना सिखाऊंगी। अगर आप बिगनर्स से हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से मेकअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन करना है और उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है और उसके बाद लगाना है आपको प्राइमर। प्राइमर के बाद आपको लगाना है फाउंडेशन। फाउंडेशन को आपको जब आप अपने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से आप ब्लेंड जरूर करें, उससे आपका फाउंडेशन बहुत ही स्मूथ लगता है। फाउंडेशन के बाद अब हमें करना है कंटूरिंग। गाइज, कंटूर हम इसलिए करते हैं, जैसे आपकी नोज एरिया है, नोज एरिया हल्की सी मेरी चौड़ी सी है तो उसे मुझे हल्का लंबा दिखाना है, तो इसलिए मुझे नोज एरिया पर कंटूर करना है और जगह पर भी मैं ऐसे ही कंटूरिंग कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने कंटूर कर दिया है। कंटूर करने के बाद जहाँ मैंने कंटूर किया है उसके जस्ट नीचे आपको फाउंडेशन अप्लाई करना है। ऐसा करने से जो आपने कंटूरिंग किया है वो उभर के आएगा। तो इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ आपको ऐसे ही मेकअप आपको करते जाना है। और अब हमें लेना है ब्यूटी ब्लेंडर और ब्यूटी ब्लेंडर से सबसे पहले जो आपने कंटूर किया है उसे ब्लेंडिंग करनी है ऊपर की तरफ, और जो हमने नीचे चिन एरिया पे किया है उसे आप नीचे की तरफ ब्लेंडिंग करेंगे, और जो हमारा माथे पे आप देख रहे हैं मैंने कंटूर किया है तो उसको आप ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग करेंगे, और जो हमारे उसके नीचे हमने फाउंडेशन अप्लाई किया है उसको नीचे की तरफ आप ब्लेंडिंग करेंगे। तो इस तरह से आपको ब्लेंडिंग करते जाना है। गाइज, अगर आप विगनर से हैं तो आप इस तरह से कंटूर करेंगे तो आपका मेकअप बहुत अच्छा लगेगा और आप आसानी से मेकअप कर सकते हैं। कंटूर को ब्लेंडिंग करने के बाद अब हमें अपने फेस पर जो हमने फाउंडेशन और कंटूरिंग किया उसे सेट करना है। आप कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर से अपने फेस पर मेकअप को सेट कर सकते हैं, और उसके बाद मैंने अपने चीक्स पर जहां कंटूरिंग किए थे जस्ट उसके ऊपर आपको ब्लशर अप्लाई करना है, और ब्लशर के ऊपर आपको अप्लाई करना है हाइलाइटर। तो ऐसे करने से आपके चीक्स काफ़ी हाईलाइट होंगे और आपका मेकअप बहुत सुंदर लगेगा और आपका एक अच्छा सा बेस बनके रेडी हो जाता है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मेकअप करने में। गाइज, मेरा बेस रेडी हो गया है और आप मुझे अपना करना है आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैंने आईब्रोज पेंसिल पहले ही अपने आईब्रोज पे अप्लाई कर लिया था, और अब मुझे अपने आई पे अप्लाई कर रही हूँ मैं आई शेडो। तो आप देख रहे हैं आई शेडो मैंने स्किन कलर का लिया है और उसे मैं अपने पहले एक बेस तैयार कर दूँगी। आप देख रहे हैं आपको ऐसे ही आई शेडो अप्लाई करना है, और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपने आईज पे आई शेडो अप्लाई करेंगे तो उसे अच्छे से ब्लेंड जरूर करें, ब्लेंडिंग करना मत भूलना। मैंने लिया है यहाँ पर जेल ब्लैक आईलाइनर, तो उसे मैं अपने आई के ऊपर अप्लाई करूँगी। जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप ऐसे ही करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपका जो लाइनर है बहुत प्यारा लगेगा और आईज भी बहुत सुंदर लगेंगी।
गाइज आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से अपना मेकअप कर सकते हैं। आज का मेकअप ट्यूटोरियल अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अपनी एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।